ठाकुर के बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म अल्लाड़ पल्लाड़। ये मराठी फिल्म है जो रिलीज होने वाली है 14 जून को, और ये फिल्म है वो हॉरर फिल्म है। मराठी में बहुत अरसे के बाद ऐसी फिल्म आ रही है, और ये फिल्म इसका टीज़र हम देखेंगे। टीज़र में तो हमें दिखा देता है कि भाई ये कोंकण में घटित घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है। हमारे कोंकण में ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो हम अनुभव करते आए हैं, कुछ लोग अनुभव करते आए हैं, और इसी वन लाइन पर ये फिल्म है अल्लाड़ पल्लाड़। इसके निर्माता जो हैं वो है शैलेश जैन जी और महेश निंबाळकर जी, और इसके डायरेक्टर है, राइटर भी है वो, उनका नाम है प्रीतम एस के पाटिल। इन्होंने ये फिल्म लिखी है और डायरेक्ट भी की है। उसके साथ इस फिल्म में जो एक्टर्स है उसमें मकरंद देशपांडे जी हैं, गौरव मोरे हैं, सक्षम कुलकर्णी, संदीप पाठक, चिन्मय उदगीरकर, सुरेश विश्वकर्मा, माधुरी पवार, ये एक्टर्स इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। हालांकि इसका टीजर देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि भाई हम कोंकण में गए हैं, और एक वाड़ा है कोंकण का, जो कल्चर है या हमारे महाराष्ट्र में जो कोंकण प्रांत है वो तो मैं कहूँगा भाई महाराष्ट्र का स्वर्ग है। ऐसी ग्रीनरी है, ऐसे लोकेशंस है, बहुत अच्छा कल्चर है इस कोंकण क्षेत्र को, और इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है पहले से, यानी पहले के लोगों ने जो कुछ भी अनुभव किया है वैसे ही आज भी हम अनुभव करते हैं। चीज़ें हैं कि भाई भूत खेत या भूतों पर आधारित कहानियां या ऐसे अनुभव आए हैं लोगों को, डरावने अनुभव रहे हैं। क्या कुछ नहीं होता है कोंकण में, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, और उसी में से एक अंश, एक वन लाइन लेकर ये फिल्म आई है अल्लाड़ पल्लाड़। यहाँ भी भूतों पर आधारित ये फिल्म है। मकरंद देशपांडे जी का एक अलग रोल है हमें इस फिल्म में दिखाई देगा, और ये हॉरर फिल्म है, टोटल हॉरर फिल्म है। इसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी लग रही है, इसका म्यूजिक अच्छा है, एक्टर्स सभी अच्छे हैं, और ये टीज़र देखते वक्त डर लगता है कि भाई मराठी में बहुत अरसे के बाद हॉरर फिल्म आ रही है, तो डेफिनेटली कुछ अलग हैं। और जो कास्ट अगर देखी जाए तो बेहतरीन कास्ट है इसकी, और ये फिल्म थोड़ा सा कुछ मराठी इंडस्ट्री में उथल पुथल कर सकती हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि हॉरर फिल्म बहुत अरसे के बाद आ रही है। और मैं चाहूँगा कि मैं ठाकुर के बिंदास बोल से सभी को विनती करता हूँ कि जाइए और ये फिल्म देखिए। जब ये फिल्म रिलीज़ होगी 14 जून को तो डेफिनेटली थिएटर में देखिए, क्योंकि थिएटर में देखने लायक फिल्म है, हॉरर फिल्म है, तो उसका इफेक्ट इम्पैक्ट वो तो थिएटर में ही आएगा। तो कृपया करके आप मोबाइल पे डाउनलोड करके या ऐसे कुछ गलत काम न करते ये फिल्म थिएटर में जाकर देखिए, क्योंकि प्रोड्यूसर जो हैं वो आपके लिए इतनी अच्छी बेहतरीन फिल्में लेकर आ रहे हैं तो उनके पैसे लगे हुए हैं। अगर आप थिएटर नहीं जाओगे, फिल्म नहीं देखोगे, तो वो भी फिल्म कैसे बनाएंगे? आप सपोर्ट करोगे तो वो और फिल्में बनाएंगे, मराठी इंडस्ट्री को और जीवित रखेंगे, और फिल्म थिएटर में देखनी चाहिए, मराठी फिल्म खासकर, क्योंकि मराठी का ऑडियंस थिएटर में जाता नहीं है। तो मैं ठाकुर के बिंदास बोल से सभी को विनती करूँगा, जाइए, मराठी ऑडियंस हो या नॉन महाराष्ट्रन ऑडियंस हो, सभी ने देखनी चाहिए फिल्म, हॉरर फिल्म है अल्लाड़ पल्लाड़। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भाई क्लास है। चलिए हम टीजर देखते हैं। आत्म्यांच्या भ्रमणाचा काळ असेपर्यंत वेष सोडून कोणीही आत जाता कामा नये, अनिष्ट संभव। इथं काहीतरी विचित्र आहे, भयंकर आहे। ती पोरगी खरच कोण होती? नाळीचा आत्मा। काही वेगळ्याच करण्यासाठी इथं आली आहे। इथे असलेला प्रत्येक जीव जिवंत राहणार नाही। Oh,
गुरुजीला शोधायला पाहिजे, नाहीतर अवघड होईल. जित्राभर रातभर चाकवा आणि सकाळ खेळ खालास. तो देखा आपने ये टीजर, बहुत ही डरावना लग रहा है भाई. वो कुछ ना कुछ होने वाला है. अब ये इस फिल्म में क्या होता है ये तो आप टीजर देख के जान चुके होंगे कि एक गांव है और गांव में एक ऐसी हवेली है जहां लोग आते हैं और फिर वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है. क्योंकि अल्याड़ पल्याड़ इसका अर्थ होता है कि लक्ष्मण रेखा होती है, उसको अगर आप पार करते हो तो पल्याड़ जाते हो. अल्याड़ रहोगे या ये साइड रहोगे तो कुछ नहीं होगा. अगर वो लक्ष्मण रेखा पार करते हो फिर जो भी चीज़ होने वाली है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे. तो ये फिल्म में जैसे जैसे कैरेक्टर पल्याड़ जाते हैं तो फिर क्या घटित होता है ये सब देखने के लिए ज़रूर देखिए फिल्म अल्याड़ पल्याड़. और ये फिल्म हॉरर फिल्म है. वो लड़की कौन है और क्या होता है इसमें, बहुत अच्छे कैरेक्टर में मकरंद देशपांडे दिखते हैं और वो शायद कुछ करते हैं ऐसा मुझे लगता है ये ट्रेलर देखने के बाद. इसमें सब कॉमेडियंस भरे हुए हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, तो कॉमेडी के साथ हॉरर, हॉरर के साथ कॉमेडी, एक अच्छी डिश लेकर आए हैं प्रोड्यूसर्स आप लोगों के लिए. और डरावना होगा, डरना होगा आपको. थिएटर में जाइए तो डरोगे और आप अच्छा एक्सपीरियंस करोगे इस फिल्म को देखकर अल्याड़ पल्याड़. तो वहाँ एक मांत्रिक दिखाए गए हैं जो मकरंद देशपांडे जी वो रोल कर रहे हैं. तो कौन है वो आत्मा, वो लड़की क्यों आई है उस गांव में, क्या कारण है, ये सब जानने के लिए ज़रूर देखिए अल्याड़ पल्याड़.